आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मीरा तुम खेलो, मम्मा आएंगी अभी। ठीक है, कोकिला दान पुण्य करके जीव ने कितनी शांति मड़े नहीं। हाँ हेतल बहू, जब मैं लगन करके आई थी तो मैं और तुम्हारा बापूजी छोटे से घर में रहते थे और छोटे से छोटे चीज खरीदने के लिए भी 10-10 बार सोचते थे, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से हम इस लायक हो गए कि हम किसी के लिए कुछ तो कर सके। आइए बा। अरे सपेरा भाई, वो मैंने ही आपको बुलाया है। अरे कोकिला बेन, आवो नाग देवता ना दर्शन करी लो। आज नाग पंचमी की पूजा है और नाग देवता को दूध का प्रसाद चढ़ाने के लिए मैंने ही सपेरा भाई को यहाँ बुलाया है। जय श्री कृष्णा कोकिला बहन। जय श्री कृष्ण शीतल बहन। आइए आइए, आप भी नाग देवता के दर्शन कीजिए। मुझे भी नाग देवता को दूध पिलाना है। साधा, नाग देवता को दूध नहीं पिलाते, वो बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें कष्ट होता है। और तुम्हें पता है नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? खेतों में कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन ये कीड़े मकोड़े फसल खराब करे उससे पहले ही नाग देवता उनका विनाश करते हैं। इसीलिए नाग देवता किसान के सबसे बड़े मित्र हैं और इसी कारण उनकी पूजा की जाती है। हे कृष्ण भगवान, लेकिन नाग पंचमी आई नहीं कि ये सपेरे लोग निकल पड़ते हैं जंगलों से बेचारे बेजुबान सांप को पकड़ कर लाते हैं अपने फायदे के लिए। कुछ सांप और नाग तो मर भी जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सांप को कष्ट पहुंचाकर ऐसा व्रत रख के पुण्य कैसे मिल सकता है के मोटा भाभी? मुझे तो इसी बात को लेकर तकलीफ होती है, लेकिन ये लोग हैं जो समझते ही नहीं। अरे भाभी जी, आप लोग नाग देवता की बुराई कर रही हैं। पाप चढ़ेगा, आप सब लोगों को पाप चढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है नाग देवता सब कुछ सुन रहे हैं। सुन लीजिएगा कान खोलकर, यदि पाप लगेगा हमें तो हम भुगत लेंगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए। बेजुबान सांप और नाग को पकड़कर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, आप अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जरा अपने कर्मों के बारे में सोचिए। आपको तो ईश्वर नरक में ही भेजेंगे। कोकिला बेन, आपको पूजा नहीं करनी तो मत करो, हमें तो नाग पंचमी मनाने दो। चलिए बा मोटा भाभी, चलो गोपी वाओ। मास्टरनी की तरह भाषण देने लगती है, हंस तो नाग देवता के खिलाफ बोलने लगी। देखो सफेरा भाई, आप उनकी बात पे ध्यान मत दो, हमें तो अपने सांप का दर्शन कराइए ना। ए ना ना, सांप मत बोलो,
नाग देवता बनो। हाँ हाँ, आप सब लोग नाग देवता के दर्शन कीजिए, नाग देवता सबको आशीर्वाद देंगे। अरे अरे बहन डरो मत, नाग देवता कुछ नहीं करेंगे, आशीर्वाद देंगे आप लोगों को। अरे पर तुम्हारे नाग देवता है कहाँ? अरे अभी तो पिटाने में ही था, अचानक पिटाने में से कहाँ चला गया? हे भोलेनाथ, मेरा लड्डू कहाँ गया? लड्डू? कैसा लड्डू? मेरे सांप का नाम लड्डू है। भगवान, ये सविता बहन भी ना ऐसी बातें करके वो अंधविश्वास को अधिक बढ़ावा दे रही है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह से सोचेंगे तो कैसे चलेगा? माँ जी, बा काकी जी, आप सब लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फलाहार लेकर आती हूँ। राशि भाभी, मैं तोलू मोलू के लिए दूध लेकर आती हूँ। मीरा पाल, मीरा मम्मा को अभी बहुत सारा काम है। मम्मा तुम्हारे साथ बाद में खेलेगी, ठीक है? अब तुम खेलो बॉल के साथ। मा। क्या हुआ मीरा? तुम खेलो, मम्मा आएंगी अभी, ठीक है? हमारा तो बुरा हाल है, ऐसे तो हम मर जाएंगे। सच्चू, पर क्यों भाई? लड़ते झगड़ते कैसे भी, पर हम दोनों एक छत के नीचे सुखी थे। जब से आपकी ये ननन बहन आई है, अरे इसे तो घर से निकालना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हाँ भाई, और वो भी जल्द से जल्द। को बोरी में डाल के सुतरी से लपेट के कहीं पटकते। लेकिन उन्हें उठाएगा कौन? कहीं ऐसा ना हो वही उन्हें उठाते उठाते हम दोनों ही उठ जाएं। मेरी बात ध्यान से सुन, एकता में बड़ी ताकत होती है। इस वक्त हम अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ काम पर लग जाए तो फिर शांति ही शांति। भाभी, किंजल, मैं गोपी के सासरे जा रही हूं। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। नाना मधुबेन, आखिर वो लोग हमारे वैवाही है, त्योहार के दिन अचानक ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे भाभी, तुम तो वैसे हमेशा मोदी भवन जाने के लिए तैयार रहती हो, आज क्या बात है? समझ गई, तुम दोनों मुझे वहां भेज के मेरे पीछे से कुछ खाना पीना चाहती हो। तुम दोनों मेरे साथ ही चलोगे।
तुम्हें स्नैक्स खाना है? वीरू, स्नेक नहीं स्नैक्स। यहाँ, ये लो, खा लो। हमारा व्रत थोड़ी है, चलो। नहीं स्नेक। तुझे कुछ और स्नैक्स में चाहिए? वीरू को क्या हो गया? क्यों चली गई? अच्छी शांत है, तब तक मैं अपनी आंखों पर आई पैक लगा। चलो एक पीस और खा। जाएगा राशि, ये क्या पलंग पर चढ़ गई हो? साफ 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 साफ, सब कुछ नहीं है। अरे वहां पर साफ है। मैं सच कह रही हूँ, सोलू मोलू की कसम, जिगर जी की कसम, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ सुमीरा बिल्कुल सही कह रही थी, यहाँ सच में साफ है। साफ? पकड़ लिया था और मैंने उसे अभी बाहर फेंका है। शायद हॉल की तरफ गया होगा। ये कान्हा जी, मीरा तो उधर ही गई है। राशि, तुम और तोलू मोलू यही पलंग के ऊपर ही रहना और खबरदार नीचे मत उतरना। तुम यहाँ से हिलना मत। बस अकेला ही आया हूँ, जोड़े में नहीं। जल्दी से इधर सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ जाइए। कोकिला, क्या हुआ नानी भाभी? मिठी, घर में सांप घुस आया है। सांप? सांप? मिठी बैठ जा सोफे पर पैर ऊपर करके। पर ये सांप आया कहां से? ईश्वर जाने मोटा भाभी, कहीं सविता बेन वाला, वो जो बाहर सपेरा था, उसके पास जो सांप था वो। कान्हा जी की कृपा है कि हम सब यहाँ सुरक्षित हैं और समय से पहले हमें पता चल गया कि वो सांप घर के अंदर है। पर कोकिला, हम यूं कब तक बैठे रहेंगे? कुछ तो करना होगा। हाँ मोटा भाभी। राशि? हाँ राशि, बोलो। काकी जी। राशि देखो, डरो मत। अब ये अच्छी तरह से सोच कर बताओ, वो सांप तुम्हारे कमरे से बाहर ही निकल गया ना, उसके बाद दोबारा तो अंदर आते हुए तुमने नहीं देखा ना? हाँ हाँ, लेकिन आप कहाँ हैं? वो ठीक है, तो तुम और तोलू मोलू वहीं पलंग के ऊपर ही रहना। हम यहाँ सोचते हैं कि क्या किया जाए सांप को पकड़ने के लिए। नहीं नहीं, मुझे भी नीचे आना है, मैं अकेली नहीं रहूंगी। देखो राशि, तुम अकेले नीचे कैसे आओगी तोलू मोलू को लेकर? सांप कहीं भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रुक सकती। मैं और मेरे बच्चे
पर है अभी। ठीक है राशि, यदि तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मैं तुम्हें लेने ऊपर आ रही हूँ। थैंक यू खाकी जी। मतलब अभी राशि बहुत डरी हुई है, मैं ऊपर जाती हूँ। मीठी तुम चलो, हम राशि और तोलू मोलू को नीचे लेकर आते हैं। अरे हाँ गोपी बहू, तुम अहम और जिगर को फोन करके ये सारी बातें बताओ। जी माँ जी, पर संभाल के जाइएगा। राधा माँ जी, राधा, राधा कहाँ है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।